नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि कई वीडियोस में बना चुका हूँ कि राहुल गांधी का अब अंत आने वाला है। कोई ना कोई अज्ञात वीर ने इसका भी काम कर देना है, जिस तरह से हिस्ट्री में इसकी फैमिली के साथ हुआ। क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत ही डेंजरस गेम खेलता जा रहा है और इस देश के जो महान लोग हैं, जिन्होंने पहले भी महान काम किए इस फैमिली के साथ, वो दोबारा से होने वाला है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ और इसका हल भी क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से सुनना। आपको मालूम है कि हम पागल एक बार बन सकते हैं, पहली बार बोलते हैं कि गलती हो गई, दूसरी बार बेवकूफ़ी होगी और तीसरी बार होता है कि हम हैं ही बेवकूफ़। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए कि जो ये फैमिली है, गंदगी फैमिली, इन्होंने हमें बार बार बेवकूफ़ बनाया और हम अब परमानेंटली बेवकूफ़ कहलाने लग गए हैं। पूरी दुनिया बोलती है हिंदुओं तुम बेवकूफ़ हो। अब ये क्यों है, आप देखिए जो गांधी फैमिली है, उन्होंने हमारे लिए एक लेगेसी वो छोड़ी क्या। सबसे पहले आप देखिए जो इंदिरा गांधी है, उसने आग से खेला और उसने एक एक्सट्रीमिस्ट जरनैल सिंह भिंडरावाला को खड़ा किया अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन बनाने के लिए। ये किया क्यों था, सिर्फ इसलिए किया था कि अकालियों को हराना था। उसने भिंडरावाला को खड़ा किया और हजारों लाखों इनोसेंट लोगों की मौत हुई। इंदिरा गांधी को प्राइस पे करनी पड़ी, उन्हीं लोगों ने इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया और डैमेज पूरे देश को उठाना पड़ा। हमें लगा कि शायद इसके जो बेटा है इंदिरा गांधी का, वो सीख गया होगा। इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी, उसने एलटीटी को सपोर्ट किया, ट्रेनिंग दी, बाद में एलटीटी के साथ लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने उड़ा दिया। उड़ाया भी कैसे कि बॉडी भी इकट्ठी करनी मुश्किल हो गई। डीएनए मांगा गया राहुल गांधी का, देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि डीएनए उसके साथ मैच होता ही नहीं था। और सोनिया गांधी को पता था कि वो पोल डांसर है, कहाँ कहाँ गई है, ये राजीव गांधी का बेटा नहीं हो सकता है। ये तो हालत है, ना बाप ने बेटे को पहचाना, ना बेटे ने बाप की शिनाख्त करी, हो भी नहीं सकती थी। आज आते हैं राहुल गांधी के ऊपर। आप देखिए, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने अलग अलग लेवल पर पंगे डाले थे, और राहुल गांधी ने तो दोनों के नंबर पीछे कर दिए। इसने उग्रवादियों को, यानी कि पंजाब के जो उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया अमेरिका में जाकर, और एक ट्रेंड शुरू किया, साथ में कश्मीरियों को भी एक्टिवेट कर दिया, उधर से किसानों को एक्टिवेट किया हुआ है, जाति वाला कार्ड खेलकर जाति वालों को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि 5 डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को इसने एक्टिवेट कर दिया है। आपको लगता है कि इस देश के लोग इतने बेवकूफ़ हैं? जो इस फैमिली से बेवकूफ़ तो बने रहे, लेकिन इस देश को टूटने के लिए अलाउ कर देंगे इस राहुल गंदगी को? दोस्तों, 2 बार पहले इस देश में हो चुका है। इस फैमिली ने जब जब गंद डालने की कोशिश करी सत्ता को छीनने के लिए, तब तब इनकी फैमिली को उड़ा दिया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे दस्तक दिख रही है, राहुल गांधी अब नहीं बचेगा और ये डेंजरस गेम खेलता जा रहा है। ये अब इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने तो एक एक बॉल ऑफ फायर से लड़ाई कर रहे थे या क्रिएट किए थे, इसने तो 5-6 कर ली हैं। और ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। USA में जाकर इंडिया का जो कॉम्युनल फैब्रिक है उसे जलाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका अगला और पिछला दोनों साइड इसके जलने वाले हैं, क्योंकि इतनी फायर ऑफ बॉल्स इसके हाथ में हैं। दोस्तों, इसे इतने लाइटली हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके बोलने का एक वेट है। रीज़न, इसे वॉइस देता है लिब्रांडो, इसे वॉइस देता है इंडिया का बिका हुआ घटिया मीडिया। और रियल डेंजर जो है कि वो ये है कि अब सारी वर्ल्ड की जो फोर्सेस हैं, जो भारत की गवर्नमेंट को गिराना चाहती हैं, वो इंटेंशनली इसके साथ वो खड़े हुए हैं। इसके कमेंट्स को आप कैजुअल नहीं ले सकते, लेकिन इसने बड़े कैजुअल वे से सिखों को बोल दिया कि देखिए, इसको तो आज़ादी नहीं है भारत में पग डालने की, गुरुद्वारे जाने की। झूठ बोल रहा था, हमें पता है, मीडिया को पता है, लेकिन किसी ने बोला नहीं।
कश्मीर के लोगों को इनसाइडर आउटसाइडर का बोल दिया कि बाहर से लोग आते हैं कश्मीर के अंदर, यानी कि भारत के लोग आउटसाइडर हो गए कश्मीरियों के लिए। ये आपको लगता है कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट को गेन करने के लिए है, उग्रवादियों की सपोर्ट लेने के लिए है और भारत के अंदर वायलेंस और डिविजन्स को क्रिएट करने के लिए है। इंदिरा गांधी ने भी यही किया, राजीव गांधी ने करने की कोशिश करी, अंजाम आपके सामने है। इसका क्या होगा कालिया? अब बात उस पर आती है, ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स को ये एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी इंडिया फोर्सेस को ये एक्टिवेट कर रहा है ताकि भारत डिस्टेबलाइज हो जाए। सनातनी छोड़ देंगे इसको? पॉसिबल नहीं है। और मोदी जी छोड़ देंगे? ऐसा भी मुझे लगता नहीं है कि उनका डीएनए ऐसा है। क्यों? लाल चौक पर मोदी जी ही थे जब उग्रवादी पूरे चरम सीमा के ऊपर थे, ललकार कर वहां पहुंच गए। आज मोदी जी को कौन ललकार रहा है? एक्सेप्ट राहुल गांधी कोई भी नहीं है, और मोदी जी उसकी धमकी एक्सेप्ट कर लेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे और जवाब भी देंगे, जैसे इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को इस देश के लोगों ने दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये धूर्त अब बचने वाला नहीं है। और वर्स्ट पार्ट क्या है? वो ये सारे गंध डाल रहा है और ऐसा लगता है ही डजंट केयर कि भारत के अंदर आग लगने वाली है, और उसकी दादी और पिता के साथ क्या हुआ उसको वो भी फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता को कंट्रोल करने के लिए, छीनने के लिए वो किसी भी हद तक वो गिरने को तैयार है। दोस्तों, ये जो पंजाब का एक भस्मासुर हमारे देश में क्रिएट किया गया इंदिरा गांधी की तरफ से, उसको शांत कर दिया गया 1990s में। 10-15 साल तो हमने खुद गंध देखा है पड़ता हुआ, लेकिन शांति देखी हमने इस देश में, स्पेशली पंजाब के अंदर, जब ये सारा ऑपरेशंस किए गए और इनके जो खालिस्तान मूवमेंट था उसको ख़त्म कर दिया गया। ऐसा क्या चक्कर है कि राहुल गांधी ने आकर उस मूवमेंट को दोबारा से चालू कर दिया जब से मोदी जी आए हैं? पहले शांति थी, अभी गंध क्यों डाला गया है? राजीव गांधी ने भी यही गंध डाला था, सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट गिर रही थी और अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए एलटीटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में उसे लगता था कि मैं अगर इनको सपोर्ट करूंगा एलटीटी को, मैं यहां पर जीत जाऊंगा। श्रीलंका से पंगा ले लिया, वहां पर अपनी फोर्सेस को भेज दिया और हमारे कितने जवान मारे गए, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना था, तमिल लोगों को अपने साथ जोड़ना था। लेकिन हमारे जो रिलेशंस हैं हमारे श्रीलंका के साथ बिल्कुल बिगड़ गए, और वहाँ पे जो प्रभाकरण था वो तो राजीव के पीछे पड़ गया, और एक महान काम उसने कर दिया। अब आते हैं राहुल गांधी के पास। भाई, राहुल गांधी ने भी डिस्ट्रक्टिव पाथ को चूज कर लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि देश के जो सनातनी हैं, मैं सनातनियों की बात नहीं करूँगा, हम तो बड़े शांत लोग होते हैं, कोई ना कोई अज्ञात वीर इसका काम करने वाला है, और ये गुड न्यूज़ है। पूरे देश में आग लगने वाली नहीं है, थोड़ी बहुत इधर उधर छुटपुट जो होती हैं घटनाएं होती रहेंगी, उसके बाद इस देश को इस गंदगी के आखिरी युवराज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब आते हैं कि इस देश में इसने बोल दिया कि सिख जो हैं उनको फ्रीडम नहीं है। अब जो सिख हैं वही इसके अगेंस्ट हुए हैं, और मुझे लगता है कोई ना कोई सिख जो है हमारा भाई पंजाब के, वो इसे सीधा करने वाले हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं पंजाब से आता हूँ, मुझे मालूम है कि इस वक्त एक बहस शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने हमारे लिए इतनी घटिया बात बोल कैसे दी। अब तो अकाली जो हैं कभी इसकी सपोर्ट में दिखते हैं, कभी इसके अगेंस्ट दिखते हैं। इसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में सिखों में से, सॉरी सिखों में से नहीं, खालिस्तानियों में से, वो है पन्नू, और इसकी स्टेटमेंट को बड़े भांडे डालकर सुनाई दिया जा रहा है, यानी कि खालिस्तानी इसकी सपोर्ट में है, सिख इसके अगेंस्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ जो इसने कश्मीर में गंध डाल दिया, अब वहाँ पर जो ये सो कॉल्ड आउटसाइडर्स हैं, यानी कि 140 करोड़ में से 139 करोड़ जो आउटसाइडर्स हैं, भारतीय हैं, वो कश्मीरियों को इनको बोल दिया कि ये सारे आउटसाइडर्स हैं, ये माइग्रेंट लेबर आउटसाइड से आती है, आउटसाइड कश्मीर, ये कश्मीरी नहीं है।
ये जो 139 करोड़ भारतीय हैं उनमें से एक आदमी चाहिए सिर्फ जो इसका काम तमाम कर देगा, और मुझे लगता है वो तैयार हो चुका है, वो होगा भी। छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग इस फैमिली को, पहले भी नहीं छोड़ा था, अब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने जो एक रियल डेंजर जो इसने खड़ा कर दिया देश के लिए वो इतना बड़ा है कि मोदी जी भी चुप हैं। वो क्यों? क्योंकि मोदी जी को लगता है अगर मैं बोलूँगा तो होगा एक ही कि इस बेवकूफ को और मीडिया अटेंशन मिलेगी इंटरनेशनली, और मोदी जी को मालूम है कि पूरे दुनिया की जो डिवाइडिंग वाली फोर्सेस हैं जो इतनी पावरफुल है कि दूसरे कंट्री में जाकर वो गवर्नमेंट्स को गिरा सकते हैं, वो फुल बैकिंग है इस आदमी को। और ऊपर से जो लिब्रांडू हैं, वो लिब्रांडू का इकोसिस्टम है, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, हमारा द वायर हो, फटी हुई शेरवानी हो, सर से सुदाई राजदीप हो, ये सारे लोग, ये सारे इसके पीछे खड़े हैं। और कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा जो हमारा मीडिया है उसमें केजरीवाल को अब कवर करना बंद कर दिया, मोदी जी को कवर करना बंद कर दिया, सारे के सारे पैसे उन्होंने राहुल के पीछे लगा दिए। ऐसे शो करते हैं जैसे कि राहुल ऑलरेडी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। उसका रीज़न है, राहुल वो बदतमीज आदमी है और वो बदतमीजी वाली स्टेटमेंट्स यूज़ करता है जो लिब्रांडो को बड़ी अच्छी लगती है। उसे लगता है कि राहुल उनका जो विजन है भारत का, जिसमें हिंदू रहे ही नहीं, जहाँ पर हमारी जो सनातन की वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो लिब्रांडो को अच्छी लगती हैं, उन्हें कॉकरोच अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्हें हिंदू अच्छे नहीं लगते, हमारा सनातन अच्छा नहीं लगता। और राहुल गांधी ओपनली बोलता है कि मैं जय श्री राम बोलने वालों को भूखे मारूंगा, यानी कि जो वो चाहते हैं वो राहुल गांधी हर रोज बोलता है, इसलिए उन्हें इसकी बातें म्यूजिक लगती हैं। वैसे भी जो सारे के सारे लिब्रांडू हैं उन्हें पिद्दी के कुत्ते, जो पिद्दी कुत्ता है इसका, उसके बिस्किट खाने में बड़ा ही आनंद आता है, इसके पैरों में लेटते रहते हैं, थूका हुआ इसका चाटते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इंडियन मीडिया है वो भी इसे, इसकी जो डेंजरस गेम है उसके साथ खड़ी है। फिर बोलते क्या हैं मीडिया वाले, जो एक चीज़ नहीं बोलनी शुरू कर दी कि भाई आप राहुल के पीछे क्यों पड़े हैं, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, वो तो एक छोटा सा लीडर ऑफ अपोजिशन है या लीडर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये वही मीडिया है जो मोदी जी को तो कटघरे में खड़ी कर देगी हर चीज़ के लिए, लेकिन राहुल का कोई भी गलत काम उनको दिखाई देता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब मोदी जी के ऊपर आते हैं, मोदी जी के अब आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि मोदी जी चुप क्यों हैं। मोदी जी चुप इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है राहुल कौन सी डेंजरस गेम हमारे देश के खिलाफ वो खेल रहा है। प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। यस, मोदी जी ने एक इतनी बड़ी गेम कर दी, उन्होंने चाइना को धकेल के पीछे कर दिया, वो भी कब, जब वो अमेरिका के ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि इस वक्त मीडिया की जो विजिबिलिटी है वो कहीं भी डाइवर्ट होकर इस पप्पू के ऊपर वो चली जाए, इसलिए चुपके से वो अपना काम करते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था बिना कुछ किए चाइना को धकेल देंगे हम बॉर्डर से पीछे? कर दिया, और ये हमने होते हुए देखा है। अब इसका होगा क्या? लोगा ये कि मोदी जी कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर, कोर्ट में भी इसे जो हमारे बिके हुए जजेस हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी कोशिश की डेट ही नहीं आएगी, केस लंबा चलता रहेगा, मोदी जी रिटायर भी हो जाएंगे इसके केस की डेट ही नहीं आएगी, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी होने वाला नहीं है, मोदी जी को मालूम पड़ चुका है। यानी कि अब इसका एक ही आंसर है कि लीगल एक्शन फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मुंह बंद हो नहीं सकता, लिब्रांडो की सपोर्ट बंद नहीं हो सकती। अब इसके बाद रहा क्या? अज्ञात वीर, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस देश को अगर बचाना है अज्ञात वीर एक्टिवेट होने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, अरे भाई एक ही तो आदमी चाहिए जो देशभक्त हो, गोली चलाना जानता हो और काम तमाम करके आए। अब ये होता है, यानी कि मोदी जी ने पावर ऑफ गवर्निंग द कंट्री और जो इस देश के खिलाफ बोल रहा है उन्होंने पावर हमें दे दी है,
ये बार बार मैं वीडियो बनाता हूँ, अब हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आपने कॉकरोचों को कभी देखा है गवर्नमेंट से बोलते हुए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए? कभी भी नहीं। उन्हें चाहिए होता है, वो खुद सड़कों पे आते हैं, भीड़ में आते हैं, अपनी बात को मनवा कर वो चले जाते हैं। आपने पहली बार हिमाचलियों को देखा भीड़ में आए, काम करवाया और इनकी मस्जिद तोड़वाई, और तोड़वाई भी मुसलमानों से, खुद उन्होंने खुद अपनी मस्जिद तोड़ी है, क्योंकि हिंदू भरकर सड़कों पे आए इकट्ठे होकर। पुलिस के लाठीचार्ज की भी उन्होंने परवाह नहीं करी। मोदी जी ने अब ये पावर हिंदुओं को दे दी है कि आप आइए और इस देश को बचाइए। कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दिया है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, हम पागल बन चुके हैं, बेवकूफ बन चुके हैं, अब हम परमानेंटली बेवकूफ डिक्लेयर कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए, अपने देश के लिए कभी बाहर आए ही नहीं, और पावर अब हमारे हाथ में है। हम 139 करोड़ जो इस देश के वासी हैं, क्योंकि वो जो 1 करोड़ कश्मीरी हैं वो तो इस देश के वासी ही नहीं है, वो तो आउटसाइडर हमारे लिए भी हो गए अगर हम उनके लिए आउटसाइडर हैं। तो पावर हमारे हाथ में है, और अगर इस शाम को ख़त्म नहीं किया गया, ये इस देश के टुकड़े कर देगा, जो बाबर की एक आखिरी विश थी कि इस देश के टुकड़े हों और यहाँ पर इस्लामीकरण कंप्लीटली किया जाए, और राहुल गांधी का भी वही एजेंडा है, देश के टुकड़े करना। इसलिए जाति, कश्मीरी, खालिस्तानी, ये सारे काम उसने एक टाइम पे कर दिए। इनकी फैमिली एक एक कार्ड संभाल नहीं सकी, ना दादी ना पिता, ये पप्पू ये 3-4 कार्ड कहाँ से संभाल लेगा? अब इस देश का जो यूथ है वो भी अक चुका है इससे, अब कभी भी कुछ भी बहुत जल्द होने वाला है। इंतज़ार कीजिए, एक्साइटिंग टाइम्स आर कमिंग सून। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।